लुधियाना तो खबर है जिथे आम आदमी पार्टी के विधायक करमीत सिंह पठान माजरा की पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। गुरप्रीत कौर गुरी उसके सात होरों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। जगराओं कस्बा के सुधार थाने के मामला दर्ज किया गया। मुलजमान ने जाली दस्तावेजों के आधार से बुजुर्ग NRI नछत्तर सिंह के घर से नजायज कब्जा करने की कोशिश की। फिलहाल इस पूरे मामले के सारे मुलजम फरार दसे जा रहे हैं। पुलिस के वालों उन्होंने भाल जारी है। एक बार फिर तो दस दिए कि पठान माजरा की पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया गया, सात होरना के खिलाफ भी परचा दर्ज किया गया। आम आदमी पार्टी के सनौर तो विधानसभा के विधायक ने हरमीत सिंह पठान माजरा जिन्हें पत्नी गुरप्रीत कौर के समेत सात लोगों से लुधियाना के थाना सुधार के पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। इल्जाम है कि सारे मुलजमान ने मिलकर सुधार के अधीन आते सुधार घुमान चौक के नज़दीक ही रेंदे एक NRI नछत्तर सिंह की कोठी से फर्जी दस्तावेजों के आधार से नजायज कब्जा करने की कोशिश की। हालांकि गुरप्रीत कौर गुरी ने इस NRI नछत्तर सिंह के खिलाफ 20 अगस्त को शारीरिक छेड़छाड़ के केस भी दर्ज करवाए थे। हालांकि NRI ने इस मामले के अदालत के वालों जमानत भी दी जा चुकी है। इस तो बाद उन्होंने बेटे संदीप सिंह जगपाल के नाल कनेडा के मिसीसागा तो जिला लुधियाना पेंडू देहाती जो पुलिस है उसके प्रमुख SSP नवनीत सिंह बैंस ने भी ईमेल से शिकायत भेज के कोठी से कब्जा करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की गई थी। फिलहाल थाना सुधार के इंचार्ज जसविंदर सिंह ने दसिया कि सारे मुलजम जो ने फरार हो गए हैं तो उन्होंने तलाश के दबिश भी दी जा रही है। और यह भी दस दिए कि बुजुर्ग NRI नछत्तर सिंह ने विधायक पठान माजरा की पत्नी गुरप्रीत कौर गुरी तो परिवारिक उन्होंने परिवारिक संबंध होने के चलते सुधार के घुमान चौक स्थित करोड़ों की कोठी संभालने की जिम्मेदारी दिती सी। मुलजमान ने कोठी का कब्जा करने की नीयत के नाल फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए सी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करके जांच विजय शुरू कर दी गई है। और दस दिए कि SSP नवनीत सिंह बैंस के आदेशों से थाना सुधार के गुरप्रीत कौर गुरी अरविंद कुमार राय जय कृष्ण साहनी चंद्र साहनी हरजीत कलानौर तो इस ही सुखदेव सिंह लुधियाना ने उन्होंने खिलाफ जो है धोखाधड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। एक बार फिर तो दस दिए कि सारे मुलजम जो ने फरार दसे जा रहे हैं जिन्हों की भाल के लिए पुलिस के वालों लगातार छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आम आदमी पार्टी के सनौर तो विधायक ने हरमीत सिंह पठान माजरा तसेम भारद्वाज साढ़े नाल जुड़े हुए हैं। तसेम पूरा मसला की है और किड़ियां तरावां जोड़ियां गई ने और फरार मुलजमान की तलाश के लिए पुलिस के वालों किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। गुरप्रीत कौर इस वेले कित्थे है जिन्होंने खिलाफ FIR दर्ज हुई है। बिल्कुल जिहड़े गुरप्रीत कौर गुरी ने हरमीत सिंह पठान माजरा के धर्मपत्नी ने आम आदमी पार्टी के विधायक ने उन्होंने उत्ते जगराओं के थाना सुधार के जिहड़ा है धोखाधड़ी का जिहड़ा एक मामला पुलिस वालों दर्ज किया गया जिस दे विच उन्होंने 6 साथी होर ने जिन्हों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इतने यह मैं दसना चाहना भी इस मामले के गुरप्रीत कौर गुरी उन्होंने साथियों ने एक NRI की कोठी नछत्तर सिंह की कोठी से कब्जा किया जिससे पुलिस ने इनक्वायरी की थी। हुण मामला जिहड़ा है उन्होंने 406 420 467 120 तहत मामला दर्ज कर दिया गया। इतने यह भी दसन योग है कि गुरप्रीत कौर गुरी उही लेडी हैगी है जिन्हें पहला 20 अगस्त को नछत्तर सिंह के उत्ते मामला दर्ज कराया जी जिहड़ा कि कोठी मालिक आ उसके उत्ते छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया जी। इस मामले के पुलिस वालों पुलिस ने जदों नछत्तर सिंह जिहड़ा NRI है उसके बेटे ने कंप्लेंट दी उस तो बाद पुलिस ने इनक्वायरी की। इनक्वायरी के पाया गया नछत्तर सिंह के गुरप्रीत कौर गुरी बड़े करीबी से नछत्तर सिंह वालों उन्होंने अपनी कोठी की देखभाल लिए रखा गया कोठी की देखरेख जी गुरप्रीत कौर गुरी करती थी लेकिन गुरप्रीत कौर गुरी ने नछत्तर सिंह की कोठी के जिहड़े जाली डॉक्यूमेंट बनवाए उस तो बाद जिहड़ी कोठी की रजिस्ट्री करवा ली। इस मामले के नछत्तर सिंह ड्रॉन धमकाने 20 अगस्त को उन्होंने पहला उससे मामला दर्ज करवा दिया गया लेकिन जिहड़ा संदीप सिंह नछत्तर सिंह का बेटा कनेडा के बैठा उसने पुलिस को कंप्लेंट दी SSP जगराओं को कंप्लेंट दी। SSP जगराओं ने इस मामले के जांच की जांच तो बाद पाया गया सारे मामले के गुरप्रीत कौर गुरी ने
फिलहाल जी है पुलिस वालों गुरप्रीत कौर गुरी और उसके साथियों को अरेस्ट करने लगातार छापेमारी की जा रही है। इस संबंध में एस एच ओ सुधार नाल गल भी उन्होंने कहा इस मामले में लगातार वो छापेमारी कर रहे हैं, जल्द ही जो दोषी ने उन्होंने गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इतने भी मैं दस देना चाहना जिना नछत्र सिंह एन आर आई से परचा दर्ज होया कि पुलिस वालों उसकी भी जांच करके उन्होंने भी जी जमानत मिल गई थी, लेकिन वो भी जोड़ा है जल्द पुलिस ने कहा उससे भी असी एक सैट बना के उन्होंने भी जोड़ा कैंसल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जोड़ा है इस मामले के गुरप्रीत कौर गुरी की तलाश लिए लगातार पुलिस वालों छापेमारी की जा रही है। ठीक है, और जो एन आर आई है एन आर आई के वालों कोई इस बाद प्रतिक्रिया सामने आई? बिल्कुल, जो एन आर आई नछत्र सिंह ने यह कोठी के मालिक से, इन्होंने अपनी जी कोठी थी करोड़ों रुपए की कोठी थी, गुरप्रीत गुरी जी हरमीत सिंह पठानमाजरे की पत्नी है उन्होंने देखरेख ली भी जी वो देखरेख कर लेंगे नजदीकी ने, लेकिन पर उन्होंने की किया एन आर आई धोखाधड़ी की, पहला तो उसके जाली कागज बनवाए तो उसका जाली कागज बना के रजिस्ट्री करा ली, उस तो बाद गुरप्रीत कौर गुरी ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज करा दिता 20 अगस्त को, लेकिन पर इस मामले के जो एन आर आई के पुत्र ने जी एस एस पी को शिकायत की उन्होंने जांच की, तो जांच के पाया गया कि गुरप्रीत कौर गुरी ने एन आर आई जी धोखाधड़ी की है उसकी कोठी की जाली रजिस्ट्री बनाई है, रजिस्ट्री बनाने तो बाद अपने साथियों उसने कब्जा किया है जिसकी जांच हुई, तो हूँ जोड़ा है पुलिस ने कल जोड़ा मामला दर्ज कर दिता है, इस मामले के एफ आई आर दर्ज हो गई है, तो हूँ जी गुरप्रीत कौर गुरी है उसकी तलाश लिए लगातार जी है पुलिस वालों छापेमारी की जा रही है। तो जो फरार मुलजम ने उन्होंने भाल दे पुलिस वालों किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, जो फरार मुलजम ने जिस तरह गुरप्रीत कौर गुरी का नाम जरा है वो दसाया हरमीत कौर पठानमाजरे की पत्नी दसी जा रही है, लेकिन हरमीत कौर पठानमाजरा ने पहला ही कह दिता जी गुरप्रीत गुरी उन्होंने का कोई रिश्ता नहीं है। इस तो बाद पुलिस वालों भी जोड़ा है मामले की बड़ी निरपक्ष जांच की, जांच तो बाद सामने आया भी इन्होंने अपने जोड़े साथी ने जिदे गुरप्रीत कौर गुरी हैगी मेन जी है जिन्हें कब्जा किया अरविंद कुमार है, इस तो अलावा जय किशन है, चंदन है, सरजीत सिंह, बलवीर सिंह, सुखदीप सिंह, जे ने सारे दोषी है, इन्हों की तलाश लिए पुलिस लगातार जदों एफ आई आर दर्ज होगी एफ आई आर दर्ज होने तो बाद लगातार जोड़ा है पुलिस वालों छापेमारी की गई है। 25 जे होर सत्त के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, इन्होंने गुरप्रीत की किस तरह मदद की है, क्योंकि एक वड्डा नेक्सस भी है जाली दस्तावेज तैयार करने किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए एक प्रक्रिया भी होंगी है और बहुत सारी परमिशन की भी जरूरत होंगी है, इन्हों सब का किमें हाथ रहा और होर कि होर लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हो सकता है, परदे होर खुल सकते हैं अजय? बिल्कुल, जिस तरह सब तो वड्डी गल है इस मामले दे विच जिहड़ा हैगा इहदे विच सब तो एक बड़ी हैरान करने वाली गल हैगी आ इहदे विच जिवें जिस तरह नाल बिहार दे रहण वाले ने कुछ लोग विच उन्हां दे उत्ते भी परचा दर्ज होया जिन्हां नूं हो सकदा जदों रजिस्ट्री बनाई गई होवे तां उस समय उन्हां नूं गवाह बनाया गया होवे भी रजिस्ट्री के समय दो गवाहों की लड़ पैंती है उन्होंने गवाह बनाया जाए, लेकिन सब तो वड्डी गल है इस मामले दे विच फिलहाल पुलिस वालों बड़ी डूंघाई नाल जांच की जानी है, इहदे विच किन्ना क जिहड़ा हैगा तहसील ऑफिस का रोल है कि तहसील ऑफिस ने उस समय जदों यह रजिस्ट्री करवाई गई उस समय की सारी जांच की उस तो बाद रजिस्ट्री कराई, इस सारिया गलों ने जिस तरह एफ आई आर दर्ज हुई है इस एक इन्वेस्टिगेशन जी की जाऊगी उस तो बाद ही सारा कुछ पता लगेगा, जिस तरह पुलिस ने भी दिता है भी जाली कागजात तैयार किए गए सारे टोटल इस चार 420 लगाई गई है धारा IPS जाली कागजात जोड़े तैयार किए गए हैं, इस तो बाद भी जोड़े नछत्र सिंह ने या उन्होंने परिवार को धमकिया भी दी गई ने जानों मान दी धमकिया देते रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा गया होर थोड़े से मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे, ये सारिया गलों से जिस तरह पुलिस को हम कंप्लेन मिली है खुद SSP ने जोड़े वो इस गलते काफी इंट्रस्ट ले रहे हैं, सब तो वही गल जो पंजाब सरकार का एक बड़ा है भी एन आर आई दिनिया भी प्रॉपर्टियां ने किसी के कब्जा होया या उन्होंने कोई धक्का करता है पहले ही पुलिस बड़ी नछत्र सिंह ने तो इतों तक भी कहा है कि वह इस तो पहला जो जानकारी मुख्यमंत्री पंजाब तक भी पहुंचा चुके हैं हरमीत सिंह पठान माजरा जो कि गुरप्रीत कौर के पति ने उत्थे तक मामला जो है पहुंचा चुके ने शिकायत कर चुके ने।
बिल्कुल जिस तरह नाल जो ये 20 अगस्त को पहला मामला दर्ज करवाया गया थी, नछत्तर सिंह जिहड़े पीड़ित ने जिन्हां दी कोठी ते कब्जा किया उन्हां ते छेड़छाड़ का मामला दर्ज होया सी, मीडिया दे विच खबरां लगियां सीगियां। उस तों बाद हरमीत सिंह पठानमाजरा मीडिया के सामने आए जी, उन्होंने साफ किया कि मेरे हुण इह गुरप्रीत गुरी नाल कोई संबंध नहीं रहा है, उन्होंने साफ कर दिया जी। उन्होंने इस गल का जिहड़ा है मुख्यमंत्री साहब नूं भी जिस तरह नाल इंटरनल मीटिंग उन्होंने दस्सिया होना भी मेरा उन्होंने कोई संबंध नहीं है, लेकिन पर लगातार मीडिया के विच तां इह जिस तरह नाल किसी नाल किसी वड्डे आदमी का नाम जुड़िया होंदा तां उह मीडिया के विच हमेशा चलता रहना, हुण भी जिहड़ा हैगा किसी भी पेपर या सोशल मीडिया से आया इसे तरह नाल आ रहा है। हरमीत सिंह पठानमाजरा की धर्मपत्नी से जिहड़ा मामला दर्ज होया एक NRI की कोठी दबण का मामला, जो किसी की जायदाद दबण का मामला आए तो गल बड़ी उछलती है उसे तरीके का। हूँ नाम तो हरमीत सिंह पठानमाजरा का जो एक विधायक ने आम आदमी पार्टी के मौजूदा सत्ताधारी पार्टी तो उन्होंने नाम बेशक उन्होंने इस करारा किया है भी उन्होंने कोई संबंध नहीं, लेकिन पर फिर भी ये जोड़ा है नाम जुड़िया हुआ कितने ना कि जो सौखे तरीके का नाम लेना किसी ने ठगी की है तो वो जोड़ के दस देने, चाहे कोई ये विरोधी धिर आ चाहे कोई जानकार सौखा हो जाता भी गुरप्रीत गुरी कोई ये प्रोमिनेंट पर्सन नहीं थी, उन्होंने तो कोई जानता नहीं थी, लेकिन पर हरमीत सिंह पठानमाजरा का नाम जुड़ा होने करके नाम उन्होंने भी उन्होंने धर्मपत्नी थी तो हूँ उन्होंने विशन तलाक हो चुका है, लेकिन पर जिहड़ा धोखाधड़ी गुरप्रीत कौर गुरी ने अपने साथियों समेत जी मिल के की है, जिहड़े 6 साथी होर ने जो विधायक ने पठान माजरा और गुरप्रीत कौर इन्हों का तलाक हो चुके बिल्कुल इन्हों का 20 अगस्त को जो पहला पहली बार खबर लगी है उस टाइम इन्होंने उस टाइम तलाक किनारा होया भी मेरा ये कोई सवाल नहीं, उन्होंने इस गल से स्टेटमेंट दी कई टीवी चैनल से, उन्होंने डिबेट भी चली सारे साडे भी टीवी चैनल से उन्होंने दसिया भी मेरा वो कोई सवाल नहीं है, लेकिन पर उस तो बाद अगस्त तो बाद सितंबर का महीना लंघता जिहड़े संदीप सिंह NRI ने कनेडा के मिसिसागा के विच रहिंदे ने उन्होंने वालों जिहड़ी है जी कंप्लेट SSP नूं एक ईमेल राही जिहड़ी कंप्लेट की गई सी कि दरखास्त 1590 नंबर सी ईमेल राही उन्होंने 12-10 नूं जिहड़ी SSP ज्ञाती जिहड़े लुधियाणा दे ने उन्होंने की सी उन्होंने बयान होए उस तो बाद जिहड़ा हैगा इनक्वायरी तो बाद जिहड़ा हैगा 25-10 नूं मामला जिहड़ा हुण दर्ज हो गया वख-वख धारावां जिहड़ियां IPC लाईआं गईआं जिहदे विच 406 420 467-68 धोखाधड़ी दा मामला जाली डॉक्यूमेंट बनाउणे इहनां सारा ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਕੀ 7 ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ खिलाफ अपने 7 साथियों के धोखाधड़ी का केस जो है दर्ज किया गया, फिलहाल फरार चल रहे ने, पुलिस वालों किस तरह की कार्रवाई की जा रही है और किवें पूरा मसला जो है उजागर होया, किवें शिकायत पहुंची? देखो खास तौर पर गण जो हरमीत सिंह पठानमाजरा ने MLA उन्हां दी जो पत्नी है गुरप्रीत जिसका नाम दस यार गुरप्रीत कौर उर्फ गुरी उसके खिलाफ और उसके साथियों समेत 7 लोगों के खिलाफ जिहड़ा कि मामला दर्ज होया लुधियाणा दे, यह पूरा मामला दस्सिया जा रहा जिथे एक NRI की कोठी के उपर कब्जा करने की कोशिश की गई और उस तहत जिहड़ा कि मामला दर्ज किया गया, जिस समय इस पूरे मामले में लैके शिकायत कह सकते हैं पहुंची पुलिस को पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल की, क्योंकि ये मामला शुरू होंदा एक काफ़ी लंबा समा पहला जो नछत्र सिंह एक NRI सन जिन्होंने इस बाबत चंडीगढ़ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि जो हरमीत सिंह पठान माजरा कित तो वाइफ है गुरप्रीत सिंह गुरप्रीत कौर उस वालों जो कोठी से कब्जा किया जा रहा हूँ उस वालों उसनों धमकाया जा रहा जिसकी एक वीडियो भी जी कि सामने आई जिस तुम बाद नछत्र सिंह होर उपर जोड़ा कि शरीरिक शोषण करने का जो मामला दर्ज करवाया गुरप्रीत उर्फ गुरी ने, जिस तो बाद कह सकते हैं नछत्र सिंह जमानत मिल गई सी कोर्ट वालों और उस तो बाद नछत्र सिंह के ही बेटे जो कनेडा दे विच कह सकते हैं उन्होंने एक शिकायत ईमेल के जरिए जिहड़ी कि SSP लुधियाना भेजी सी, जिस तो बाद SSP लुधियाना वालों संबंधित पुलिस अधिकारियों के नाल जांच पड़ताल करवा के देखिया कि गुरप्रीत उर्फ गुरी वालों वो अपने साथियों समेत जिहड़ा उस घर के उपर NRI की कोठी के उपर कब्जा करने की कोशिश की गई है, जिस तो बाद किसी गुरप्रीत सिंह गुरी समेत 7 व्यक्तियों के उपर मामला दर्ज कर लिया पुलिस वालों, हालांकि 7 तों 7 व्यक्ति जिहड़े कह सकते हैं फरार ने, इस लैके जो हरमीत सिंह पठानमाजरा ने उन्हों का भी जिहड़ा स्पष्ट कर चुके हैं कि गुरप्रीत कौर के नाल उन्हों का
कोई संबंध नहीं है क्योंकि ये जो हरमीत सिंह पठानमाजरा होर के विआह नूं लैके बहुत सारिया चर्चावां चलिया सीगियां अते गुरप्रीत कौर उस चर्चावां दे विच एक चर्चा गुरप्रीत कौर सन जिन्हां दे नाल हरमीत सिंह पठानमाजरा होर का कहना है कि उन्हां दा गुरप्रीत कौर होर दे नाल कोई रिलेशन नहीं है। हालांकि हुण इस मामले नूं लैके पुलिस वालों जिथे जे मुलजम ने जिन्हों के उपर मामला दर्ज किया गया उन्हों की भाल की जा रही है ते ए जो कोठी है उन्हों के कब्जे तो एक तरीके दे नाल छुड़वा ली गई है। ठीक है, कब्जे तो छुड़वा ली गई है और जो छेड़खानी दे या फिर दबा पा के शारीरिक शोषण करन दे जो इल्जाम भी गुरप्रीत गुरी वालों लगाए गए थे उस वेले क्या गया सी कि उन्होंने कोल बकायदा एक वीडियो है सीसीटीवी फुटेज का दावा किया गया सी उस विच ए की लगता है कोठी ते कब्जा करन दी नीयत दे नाल ही इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए थे उस वेले नछत्तर सिंह ते उस केस का की होया। देखो गगन क्योंकि इस पूरे मामले दे विच जो गुरप्रीत कौर उर्फ गुरी है ये नछत्तर सिंह होरां दी जिन्हां दी कोठी है जिस कोठी दे वो मालक ने उन्हां दी ये नज़दीकी सीगी गुरप्रीत कौर अते ये नछत्तर सिंह होरां वल्लों जिहड़ा कि इस कोठी की देख रेख करन दी जिहड़ी कि जिम्मेवारी गुरप्रीत कौर होरां नूं दित्ती गई सीगी अते उस दौरान कुछ वीडियो भी जिहड़ियां सामने आईयां सीगियां जिस वीडियो दे विच गुरप्रीत कौर का जिहड़ा शोषण शरीरिक शोषण हुंदा होया दिखाई दे रहा जिस तो बाद मामला दर्ज किया गया सीगा पुलिस वल्लों अते इस पूरे मामले दे विच जदों नछत्तर सिंह जिहड़े कि असल चंडीगढ़ दे विच आके प्रैस कॉन्फ्रेंस करके गए सी उन्होंने जिक्र किया सीगा कि यह प्रोपर एक प्री प्लैन सीगा जिस प्री प्लैन दे विच पहला तां जिहड़े गुरप्रीत कौर आ उन्हां दे नाल नज़दीकी बनी उस तो बाद जिहड़ा उन्हां नूं अपने जाल दे विच इक तरीके दे नाल फसाया गया अते हुण उन्हां नूं ब्लैकमेल कर रहे ने कि इह कोठी ते कब्जा करने की कोशिश कर रहे जाली आधार जो डॉक्यूमेंट बना के एक तरीके उस कोठी से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो ये मामला उन्होंने प्रैस कॉन्फ्रेंस की तो दूसरी तरफ गुरप्रीत कौर होर ने भी जोड़े कि अपने बयान पुलिस को दिए जो उन्होंने को डॉक्यूमेंट से जो वीडियो सी वो दी जिस तो बाद नछत्तर सिंह होर के उपर जोड़ा कि मामला दर्ज हो गया सगा हालांकि नछत्तर सिंह होर के उपर मामला दर्ज हो गया दूसरी तरफ जो नछत्तर सिंह होर के बेटे सन एन आर आई ने उन्होंने जी शिकायत सौंपी सी जी ईमेल के थ्रू भेजी सी उस तो बाद दूसरे मामले से पुलिस ने जांच पड़ताल की जो कोठी के कब्जे वाले लैके उस सीधे तौर पर पाया गया कि नछत्तर सिंह होर की कोठी के उपर गुरप्रीत कौर वालों जरा कब्जा करने की कोशिश की गई है जाली आधार कार्ड डॉक्यूमेंट वगैरह बना के अपने पांच तो छह साथियों समेत जोड़े कि पूरा अंजाम दिता गया अते उस दे विच उह कोठी ते कब्जा करना चाहते सन क्योंकि करोड़ों रुपए की वो जी कोठी की कह सकते हैं जगह जी कोठी का पूरा कह सकते जो रेट है वो करोड़ों रुपए के हिसाब नाल अते उह लालच दे विच आके कितने ना कितने कोठी ते कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, और गुरप्रीत कौर जो है वो विधायक की दूसरी पत्नी है और इससे पहले हालांकि तलाक हो चुका है तलाकशुदा है लेकिन उस वेले जथेदार यानी हरप्रीत सिंह दे निजी सहायक जसपाल सिंह ने भी शिकायत करके अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज की एक दूसरे तक खूब इल्जाम लगाए थे खालसा मसला वो भी करवाए से यानी कि इस तरह के विवादों के मसलों के गुरप्रीत कौर हमेशा तो ही रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया कमल फिलहाल तक की जानकारी दे।